दमोह के टोरी गांव के बालिका छात्रावास की 29 छात्राएं डायरिया की शिकार हो गई हैं। इन छात्राओं को गंभीर हालत में दमोह जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। एक साथ 29 छात्राओं की तबीयत बिगड़ने की खबर जैसे ही प्रशासनिक अधिकारियों को लगी, हड़कंप मच गया। तुरंत SDM जिला शिक्षा अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे और बीमार छात्राओं का हाल जाना। विधायक राहुल सिंह भी खबर लगते ही अस्पताल पहुंचे और कलेक्टर से जांच कर कार्रवाई करने की बात कही। डायरिया का कारण जानने के लिए स्वास्थ्य विभाग की एक टीम हॉस्टल भेजी गई है। अभी सुबह पता चला कि लगभग 25-26 बच्चियों को डिहाइड्रेशन हो गया है, तो अभी यहाँ के देखा है काफ़ी बच्चियाँ ठीक है, 4-5 बच्चियाँ जरा सीरियस हैं। और साथ ही साथ अभी मैडम से भी बात हुई तो उसकी फूड सैंपलिंग और पानी का सैंपल करवा लेंगे। और अभी छात्रावास की जो मैडम है वो बता दी कि अभी नई ज्वाइनिंग हुई है, तो शायद RO का और हॉस्टल के पीछे गंदगी का बता रहे हैं, तो ये पूरा जांच करवा लेते हैं अभी कलेक्टर साहब से बोल के, और जो भी इसमें दोषी होगा, जिसकी भी लापरवाही होगी, उन पर अपन जल्द से जल्द कार्रवाई करवा देंगे।